Accessibility for all people in India. Hi. Can you introduce yourself? Okay. My name is Usha Rathod and I'm international table tennis player. And do you practice over here? Yes. And how many stairs do you have to go up? सुबह हमारा मॉर्निंग सेशन होता है एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद बाद में हम रूम पे जाके 10 to 1 o'clock थियरी लेक्चर होता है. सो थर्ड फ्लोर पे होता है हमारा. तो बहुत टाइम नीचे ऊपर जाना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है. अरे यहाँ लिफ्ट भी नहीं है. हाँ, तो तुमको 45 स्टेप्स ऊपर नीचे जाना पड़ता है. हाँ, बहुत डिफिकल्ट है पूरा. टेनिस के लिए वहाँ समा कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ता है. और इधर क्या करते हैं? सिर्फ लेक्चर. यहाँ पे थियरी लेक्चर होते हैं. अच्छा. और मॉर्निंग एक्सरसाइज वगैरह होता है. अब तुम्हारा डिसेबिलिटी के बारे में थोड़ा बात कर सकते हो? ओके. मैं जब 1.5 साल की थी तो मेरे को फीवर हुआ और मम्मी डॉक्टर के पास ले गए. तब वहाँ पे डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया तो उसमें से मेरे को पोलियो हो गया. थैंक यू. तो तुम उधर दूसरे स्पोर्ट्स समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कैसे जाते हो और क्या डिफिकल्टीज होता है वहाँ पे? भी स्टेप है. स्टेप और लिफ्ट. लिफ्ट है लेकिन वहाँ पे बंद है. बंद है और ये बहुत खराब. क्योंकि वो कितना टाइम से नहीं चलता? मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे को करीबन आए 5 महीने हुए. 5 महीने के लिए कभी भी वो नहीं चलता था? नहीं. अच्छा. ओके. फर्स्ट टाइम जब मैं एग्जाम देने के लिए आई तब मैं रैम्प से गई थी. ओके. तो वहाँ एक रैम्प है, तो वो रैम्प कैसा है? वो रैम्प काफ़ी ऊपर तक है और लंबा भी ज़्यादा है और यूँ स्टेज जैसा. हाँ, तो हम खुद अपने आप बिल्कुल मूव नहीं कर सकते वहाँ पे, कोई और को ऐसा पुश करना होगा. तो तुम हर रोज तुम वो रैंप पे नहीं जाते हो ना? नहीं, मैं स्टेप से जाते हो. तो वहाँ कैसे, क्या लगता है तुमको जब तुम स्टेप्स में जा रहे हो? बहुत हार्ड लगता है? वैसे मेरे पास स्टिक है, स्टिक लेके मैं चढ़ती हूँ. हाँ. वैसे हर जगह फैसिलिटी नहीं होती. हाँ. है हमारे यहाँ इंडिया में नहीं होता है. हाँ. जनरली काफ़ी सारी जगह ऐसी है कि जहाँ पे व्हील चेयर यूजर्स हो या कोई भी हैंडीकैप हो तो ऐसे उनको ध्यान में रखते काफ़ी कम जगह पे कुछ बनाया गया होता है. पर तुमको, पर तुम्हारे लिए वहाँ हार्ड होता है हर स्टेप में? हाँ. ओके. और जब तुम ऊपर तुम्हारे प्रैक्टिस एरिया में हो तो तुम कैसे जब जगह जाते हो? हाँ, वो सर मेरे साथ. उसके बाद तुम टॉयलेट में कैसे जाते हो? मतलब वहाँ मैं गया हूँ वहाँ टॉयलेट, तो वहाँ व्हील चेयर लेके नहीं जाती क्योंकि वहाँ पे व्हील चेयर जाती ही नहीं है, अंदर मूव होती ही नहीं है. हाँ. तो मैं एज ए कैलिपर पहनती हूँ तो कैलिपर पहन के ही जाती हूँ. तो डोर बहुत छोटा है? हाँ, डोर भी छोटा. हाँ. है. तो तुम कौन से अवार्ड्स जीते हो? मेरे को इंटरनेशनल मेडल्स भी है, नेशनल मेडल्स भी है. अच्छा. तुम कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को मिले हो? तो वो कौन है? वो मोदी जी हैं. और जब हमारा कॉमनवेल्थ सिलेक्शन हुआ था उसके बाद हमारा फर्स्ट कैंप बैंगलोर में था. उसके बाद हम लोग लंदन जाने वाले थे. तब मोदी जी को पता चला कि गुजरात की 3 लड़कियाँ हैं जो सिलेक्ट हुई है कॉमनवेल्थ के लिए. तो उन्होंने हमें सामने से इनविटेशन दिया, उन्होंने हमें बुलाया कि ऐसी कौन लड़कियाँ है जो यहाँ तक पहुँची है और मैं जानता नहीं हूँ. तो उन्होंने हमें वहाँ सर्किट हाउस में बुलाया था और हम मिले भी थे. तुम्हारे पास कौन सा मैसेज है मोदी के लिए? मोदी जी के लिए मेरे पास कोई मैसेज नहीं है, लेकिन इंडिया के लोगों के लिए मैसेज है कि प्लीज सपोर्ट एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन. इंडिया कैंपेन. बहुत मस्त मस्त.
The A to Zach of Accessibility. Please like, share and subscribe. Go under all the other videos and please comment down below.